કોંગ્રેસ દ્વારા છોટા ઉદેપુર ખાતે જનવેદના આંદોલન કરવામાં આવ્યું હતું. રાજ્યમાં ખેડૂતોની દયનીય સ્થિતિ, ટેકાના ભાવ, બેરોજગારી, આર્થિક મંદી માટે રાજ્ય અને કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર સામે કોંગ્રેસે મોરચો માંડ્યો છે. રાજ્યવ્યાપી જનવેદના આંદોલન શરૂ કર્યું છે, જેના ભાગરૂપે આજે છોટાઉદેપુર ખાતે જાહેર સભા યોજાઈ હતી, જેમાં ગુજરાત પ્રભારી રાજીવ સાતવ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડા, રાજ્યસભા સાંસદ નારાયણ રાઠવા સહિત કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો, કાર્યકર્તાઓ હાજર રહ્યા હતા. કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા રાજીવ સાતવ અને અમિત ચાવડાએ રાજ્યની રૂપાણી સરકાર અને કેન્દ્રની મોદી સરકાર ઉપર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે પાછલા 5 વર્ષમાં કેન્દ્રમાં અને 23 વર્ષમાં રાજ્યમાં સરકારે કરેલા વાયદાઓ પરિપૂર્ણ કરવામાં સરકાર નિષ્ફળ રહી છે. ખેડૂતોના પાક વીમા મુદ્દે વીમા કંપનીઓ સાથે સરકારની સાંઠગાંઠ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તો ખેડૂતોને યોગ્ય ટેકાના ભાવો મળે અને ખેડૂતોના દેવા માફ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે. તો સાથે મહારાષ્ટ્રમાં કોંગ્રેસ, એનસીપી અને શિવસેના મળીને સરકાર બનાવવાની વાત કરે છે, ત્યારે પોતાની સત્તા અને રાજ્યપાલ જેવા સંવૈધાનિક પદનો દુરુપયોગ કરી પોતાના રાજકીય રોટલો શેકવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો હોવાનો અમિત ચાવડાએ આરોપ લગાવ્યો છે. તો જનવેદના આંદોલનને લઈને રાજ્યસભા સાંસદ નારાયણ રાઠવા સહિતના નેતાઓએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પણ પાઠવ્યું હતું. और मोदी सरकार इसमें कोई भी स्टेप्स उठाना नहीं चाह रही है. खास तौर से गुजरात की जनता, आपने देखा होगा, गुजरात का खेडूत, गुजरात का किसान ये पाक बीमा नहीं मिलने से दुखी है. जो एमएसपी है वो एमएसपी अच्छा भाव नहीं मिलने से किसान परेशान है और कोई राहत ना राज्य सरकार दे रही है ना केंद्र सरकार दे रही है. पाक बीमा की जो कंपनी है वो सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए पाक बीमा जमा कर रही है और आधा भी प्रीमियम जो वसूल कर रही है, आधा भी प्रीमियम उन्होंने दिया नहीं है. इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की इसमें साठगांठ है और सिर्फ पाक बीमा कंपनियों का फ़ायदा करना ये इनका एजेंडा है. इसके खिलाफ का ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी द्वारा हमने शुरू किया है. 700 करोड़ से किसान को कोई राहत नहीं मिलने वाली है. सही मायने में अगर मोदी सरकार और गुजरात की सरकार खेडूतों को मदद करना चाह रही है तो किसान की पूरी कर्जा माफ़ी करनी चाहिए. एमएसपी जिस प्रकार से ये बढ़ा नहीं रहे हैं, ये सब में काम करने की ज़रूरत है. पूरी तरह से गुजरात की अर्थव्यवस्था चौपट करने की बात इनसे हो रही है. अभी जो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ है सर, महाराष्ट्र में जो अभी जो ताना बना अभी बुना जा रहा है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शंस हुए हैं. इलेक्शंस होने के बाद दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि हम 2/3 बहुमत लेकर आएंगे. दोनों जगह पर उनको सिंपल मेजॉरिटी भी मिल नहीं पाई. शिवसेना जो उनकी पुराना गठबंधन था, सबसे पुराना एनडीए का गठबंधन था, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, शिवसेना को भी ये साथ में नहीं रख सके हैं. और इससे स्पष्ट है, हरियाणा में तो सरकार बनाने के लिए जेल में से नेताओं को निकाल कर सरकार बनाने की नौबत भारतीय जनता पार्टी पर आई और ये सब मैंडेट लोकसभा के बाद 3 महीने के बाद मिला है. इससे देश में सरकार के बारे में, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के बारे में नाराज़ी क्या बढ़ी है, इससे स्पष्ट दिखता है. महाराष्ट्र की जनता ने, हरियाणा की जनता ने और गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैंडेट दिया है.